लास्ट साल 2022 मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा साल रहा बहुत दिनों के बाद. मैंने फिल्म फेयर मिडल ईस्ट में परफॉर्म किया अपना गाना इश्कम जो कि 200 मिलियन पे चला गया है और फिल्म फेयर मिडल ईस्ट ही पे गोविंदा सर ने पहली बार बहुत साल के बाद परफॉर्म किया और रणवीर सिंह ने उसको क्लोज किया. तो आई एम रियली ग्लैड. मुझे 2022 में मिटे अवार्ड से लेके एक्सलेंसी अवार्ड से लेके और इंडिया का जो जितने भी टॉपमोस्ट अवार्ड्स थे जी से लेके सारे अवार्ड्स जो हैं मुझे मिले एज ए सिंगर एज ए मेरी एल्बम को इश्कम को. और 2022 में ही मैंने मिर्ज़ापुर 2 की जिसमें शेखू नाई का कैरेक्टर किया लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर 2022 में ही मैंने सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म मॉन्स्टर में मेन गाना गाया जिसको बोलते हैं घूम घूम जिसकी वजह से साउथ में मेरे पास गानों की लाइन लग गई है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं साउथ में मलयालम में तेलुगु तमिल में गाऊंगा. तो 2022 में ही मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़ा शो US टूर किया यू नो यूरोप टूर किया दुबई में और मिडल ईस्ट में कॉन्सर्ट्स किए. तो ये साल मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा. मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर 1 मिलियन से ज़्यादा 5 मिलियन पे बूम मार दिया इश्कम की वजह से. सो आई रियली थैंक 2022 और 2023 में जो कि है मेरी अभी वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है 24x7 ऑनलाइन 24x7 जिसमें मैं हूँ अभिमन्यु सिंह है और डायरेक्टेड बाय संजय शर्मा. और मेरी दूसरी वेब सीरीज आ रही है इंस्पेक्टर अविनाश जिसमें रणदीप हुड्डा है और मैं उनका राइट हैंड कीपर का रोल कर रहा हूँ. बहुत बेहतरीन रोल है. बाकी गाने रिलीज हो रहे हैं एक सुपरस्टार के साथ फिल्म कर रहा हूँ गाने. तो मतलब अभी जैसे ये भरा हुआ है ना ऐसे मेरी प्लेट टचवुड भरी हुई है. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का और नीचे वालों का सबका आपका इन्होंने बिलीव किया मेरा. गाने किस तरह से आने वाले हैं उस पर थोड़ा सा अगर आपको डिटेल दे दे तो. यार सिंगल गाने आ रहे हैं फिल्मों में गाने आ रहे हैं. अभी एक मणिरत्नम सर की फिल्म में गाना फाइनल हुआ है तो गाने आ रहे हैं बढ़िया. ऑलरेडी मल्टी टैलेंटेड है सर लेकिन 2023 में क्या कुछ नया आप कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? नया तो मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ. हर रोज़ नया सीखता हूँ पुरानी गलतियों से. और मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि 2023 में वो गोल मुझे अचीव करने हैं जो मैंने कभी लाइफ में टारगेट लगाया था क्योंकि 2022 में मैंने बहुत बड़े गोल अचीव किए. तो 2023 में आईफा फिर से फिल्म फेयर सारे अवार्ड्स लेने का प्रोग्राम है सारे OTT अवार्ड्स लेने का प्रोग्राम है. और मैं जानता हूँ कि अगर ये सब इनकी तरफ मैं मेहनत करूँगा तो मैं ले लूँगा. और इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो इंडो अरबिक गाने बनाने का प्रोग्राम है इंडो फारसी गाने बनाने का प्रोग्राम है और बाकी पंजाबी गाने साउथ गाने 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 सॉन्ग्स. आज कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्च के लिए आप आए कि क्या कुछ है आज खास? यार मुझे अपनी फिल्म का वेब सीरीज का अनाउंसमेंट करना था 24x7 जो मैं कर रहा हूँ ऑनलाइन 24x7 उसमें प्रविनाश का मुझे अनाउंस करना था अपना जो नए गाना जो मेरा इश्कम जो 200 मिलियन पे चला गया पब्लिक को थैंक्स करने के लिए आप लोग ही माध्यम है वो करना था. जो मैंने फिल्म फेयर मिडल ईस्ट को रिजवान भाई को सबको थैंक्स करना था और जो मेरी 2 बड़ी फिल्में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और एक वेब सीरीज जो मैं जिसमें मैं एज ए मेन एक्टर और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ जिसका नाम है लाखी गैंग वो स्टार्ट करने वाला हूँ अप्रैल में मार्च अप्रैल में. तो टचवुड ये गाना मैंने मिक्का सिंह के साथ किया है थैंक्स मिक्का भाई साथ में जुड़े और ये गाना वायरल हो गया इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन रील्स बनी है इस गाने की और इसकी वजह से बहुत शोज मिले हैं. भाई इतना एनर्जी लाते मैं मेरी दुकान है एनर्जी जिसमें से मैं कुछ एनर्जी रणवीर सिंह को दे देता हूँ कि भाई तू एनर्जी ले तू जा बाकी थोड़ी बहुत मैं अपने लिए रखता हूँ. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो ये बताइए आप देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस को पता क्या? यार बिग बॉस देख रहा हूँ सीजन 16 बहुत शुरू में बहुत ठंडा सीजन रहा लेकिन सलमान भाई ने इसको पुश किया एंडमोन ने पुश किया सबको पुश किया धीरे से अब जाके टेक ऑफ किया है अब अच्छा लग रहा है. हाल फिलहाल में कपिल शर्मा शो में नवाब फतेही ने काफ़ी कुछ कहा है पिछले आपके बारे में ही कहा है आई थिंक क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? यार देखिए कपिल शर्मा का शो बहुत अच्छा शो है लोग अपने बारे में बात करें उन्होंने बोला किसी को एक्टर के साथ में आपको कुछ हुआ तो उन्होंने बोला हाँ मैंने पहली फिल्म की थी रॉ टाइगर ऑफ सुंदरबन उसमें एक एक्टर था बहुत बदतमीज़ था ये उनके वर्ड्स है जो मेरे पास आया है और वो बहुत बदतमीज़ था और मैंने उनके थप्पड़ मारा फिर उसने मेरे थप्पड़ मारा फिर हंसने लगी. हाँ बेसिकली नौरा फतेही जब आई थी यहाँ इनको कोई नहीं जानता था मैंने ही वो फिल्म उनको दिलाई थी और साथ में और भी गाने मैंने उनको दिलाया एज ए फ्रेंड. और इंसान को अपना एहसान याद रखना चाहिए. अब
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा नोरा फतेही कि आपका एक बड़ा स्टार होने से या आपका सुपर स्टार होने से मैं छोटा स्टार नहीं हो जाता, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी वहाँ तक पहुँचा हूँ। और हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने आपको सपोर्ट किया है। और अगर आप सोचते हो कि ऐसे चीप स्टंट से कि मैंने थप्पड़ मारा, क्या अच्छा लग रहा है कि किसी ने आपने थप्पड़ मारा, आप चैनल पर जाके बोल रहे हो, तो इससे आपको पता लगता है कि आपकी जो पीछे टीम बैठी है बहुत बेवकूफ़ है, कि उनको ये नहीं पता कि अपने स्टार से खिलवाना क्या है। नंबर वन। नंबर टू ये कि आपको इज्जत करनी चाहिए अपने को स्टार्स की, जो इन्होंने आपको काम दिया। और अभी आपका टाइम चल रहा है, लेकिन जब गिरता है नीचे तो ऐसे ही गिरता है जैसे आप कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, वो जिसमें आपने गाड़ी ली थी, गाड़ी बेची थी, आप समझे। तो हर इंसान का ऊपर नीचे आता है, वो जो जेल में बंद है, क्या नाम है उस बंदे का, सुकेश। हाँ सुकेश ना, हाँ उसकी कंट्रोवर्सी फंसी, फिर आप गवाह बन गई। तो इसलिए भैया अपने आप सही से चलो, ऊपर वाले ने इज्जत दी है आपको, तो अच्छे से अपना काम करो, दूसरे को ड्रैग मत करो। और जो बात 10 साल पहले ख़त्म हो गई उसको आप दोबारा बोलती हो आगे कि वो एक बदतमीज़ था, कुत्ता बिल्ली, यू नो कुत्ते के दांत भी होते हैं, अगर वो काटता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं। तो इसलिए आराम से रहो, अपना काम करती रहो, जहाँ भी तुम उछल रही हो उनके साथ जाओ, मस्ती करो, ऐश करो। अगर आपके पीछे भी लोग हैं तो हमारे पीछे भी पूरे हिंदुस्तान की जनता है और हम भारतीय हैं, और हम अगर मेहमान को प्यार करना जानते हैं तो उसका इलाज करना भी जानते हैं, बिकॉज हम मुजफ्फरनगर सिटी से। यही होता है जब इंसान कुछ नहीं होता और ऊपर पहुंचता है, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स वहां पहुंचे और ऐसे गिरे नीचे, फिर दोबारा उठ नहीं पाए। तो इसलिए सक्सेस को पचाना, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, इस तरह सक्सेस को पचाना भी बहुत मुश्किल होता है। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सुपर स्टार्स क्यों हैं, अक्षय कुमार, अक्षय साहब, अजय देवगन, इन्होंने स्टार सुपरस्टार्स क्यों है, बिकॉज इन्होंने सक्सेस को पचाया है और एक सदी से लेके चले, हम्बल रहे। अगर आप सक्सेस हो रहे हो और उसके बाद में अगर आप किसी को नीचे दिखाना चाह रहे हो, किसी के बारे में बोलना चाह रहे हो, वो आदमी तो जवाब देगा। अगर आप मुझे पब्लिसिटी देना चाह रहे हो तो मैं भी लूँगा, डिजिटल ज़माना है। आप मेरे बारे में कपिल शर्मा शो में बोलो या झलक दिखला जाए बोलो, तो हम भी इस मीडिया के, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम भी जवाब देंगे। हाँ हमारे बारे में बोलोगे तो हम भी आपके बारे में बोलेंगे कि हमने आपको ब्रेक दिया, तो अपने उस्ताद को मत बोलो, उस्ताद हमेशा उस्ताद ही होता है बेटा। ये मुलाकात तो कनाडा से ही, इन्होंने मैं इनको जानता था और ये यहाँ पर आई, इनको सपोर्ट किया, और जब इनके पास में ऑटो से घूमती थी तो सब मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन उन्होंने बोला है तो अब मीडिया में बोलूँगा। इनको सपोर्ट करना, इनको खाने पीने के पैसे तक मैंने दिए और मैंने इनको सपोर्ट किया हर तरीके से। जब ऐसे लालचन लगते हैं तो अंदर से बुरा लगता है। सलमान भाई ने बोला है हमेशा कि नेकी कर और दरिया में डाल, हम नेकी करके दरिया में डाल दिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सुनेंगे कि हम मेहनत भी करें, हम आपको काम भी दिलाएं, उसके बाद में कुत्ता भी सुनने को मिले, और लोगों पे आप जो चीज़ एक जगह ख़त्म होगी उसको आप दोबारा उखाड़ रहे हो 10 साल के बाद में। तो थोड़ा सा ग्रो अप, नया नया पैसा मिला है तो नया नया फेम मिला है तो बेटा उसको झेलना सीखो। यू नो ये सरकारी महकमे आपके आगे पीछे जा रहे हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखो, ऐसा अपने दुश्मन और मत पालो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जिसके लिए आए हो आप कलाकार हो, आप अपनी कला को आगे बढ़ाओ और अपने डांसिंग स्किल्स भी तुम बहुत अच्छी हो, जो काम तुम्हें अच्छा आता है वो करो, और हिंदी प्रॉपर बोलना सीखो, यू नो भाषा, मातृभाषा, और अच्छी हीरोइन बनने की कोशिश करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। यार लाइमलाइट पाने के लिए तो लड़कियां आजकल कैसी कैसी ड्रेसेस पहन के, सी थ्रू ड्रेसेस पहन के घूम रहे हैं, लाइमलाइट पहनने के लिए लोग नंगे हो रहे हैं, तो लाइमलाइट पहनने के लिए मैं थोड़ा ही नंगा होकर गाली देने लगूंगा। मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूं कि भैया आपने हमें हमारे बारे में ये बोला, हम जनता को बताना चाहूंगा कि नोरा फतेही को पहला ब्रेक मैंने दिया है, पूरी इंडस्ट्री जानती है। कमल सदाना से आप पूछ सकते हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर आफिस रजवी, यू नो पूरे प्रोडक्शन से आप पूछ सकते हैं, जो जानते हैं नोरा को इंडस्ट्री में लाने वाले अली कुली मिर्ज़ा हैं। और मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं इंडस्ट्री में कोई सुपरस्टार हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी और बड़े मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। अगर किसी ने बुरा भी किया तो इग्नोर करके आगे निकलता हूँ, मेरे साथ ही बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन बिग बॉस के हम लोग सपोर्ट किसे कर रहे हो आप? मैं साजिद खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अली भाई एक सवाल मेरा है कि आपने अभी शाहरुख खान की तारीफ की है, बाकी एक्टर्स की तारीफ की, मैं जानना चाहता हूँ पठान की जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है ये बिना मतलब की कंट्रोवर्सी या उसे खड़ा किया जा रहा है? ये पठान की कंट्रोवर्सी जो है, ये भैया देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं ना कि पाँच उंगली बराबर नहीं होती, हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश था है रहेगा,
जो लोग कोशिश कर रहे हैं भाइयों को आपस में लड़ाने की है, भाइयों को एक दूसरे को धर्म की दीवारें डाल के एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा करवाने की, ये होगा नहीं, क्योंकि जनता जानती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा हिंदुस्तान हमेशा अच्छा था रहेगा। सारी भाषाएं यहाँ पर तकरीबन 30-40 भाषाएं बोली जाती हैं, 200 से ज़्यादा सभ्यताएं हैं। हिंदुस्तान को कोई अलग नहीं कर सकते। 4-5-10-15-20 लोग जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं जितिया कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि भैया कितनी भी कोशिश कर लो, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। बहुत बेहतरीन प्रोमो है और सुपर हिट होगी फिल्म, और बहुत मेहनत की है एक फिल्म बनाने, बहुत, चाहे वो पठान फिल्म हो चाहे वो कोई भी फिल्म हो, उसमें मेहनत लगती है यार। स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर से लेके जूनियर आर्टिस्ट से लेके कैमरामैन से लेके मेहनत होती है, और एक फिल्म में जब बनती है तो 1000 घर चलते हैं उससे। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि भाई फिल्मों की इज्जत करो, फिल्म बनाने वालों की इज्जत करो, एक्टर से लेके स्पॉट बॉय की इज्जत करो, ये फालतू के धार्मिक एंगल लगाना बंद करो। ये हैशटैग भाई बॉस का जो ट्रेंड चला है उसका क्या असर रहेगा पठान पे? जी, किस चीज़ का हैशटैग भाई? ये हैशटैग का जो ट्रेंड चला रहे हैं ये कुछ चूतिए लोग हैं जो चला रहे हैं, यू नो, ये लोग वो हैं जिन पे काम नहीं है कुछ करने को, उनका काम ही यही है। तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहता हूँ, गेट अ लाइफ, यू नो, गेट योर सेल्फ सम लाइफ, गेट योर वर्क डन, अपना जाओ काम करो, देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, देश को तरक्की देने के बारे में सोचो। तुम्हारे पास में एक अमेजिंग प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि देश को साथ लेके चल रहे हैं, हर बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। तो प्लीज़ उनके किसी भाषण से कुछ सीखो और आगे बढ़ो। बिग बॉस पे क्या कुछ लगता है, कौन क्या होने वाला? बिग बॉस अच्छा चल रहा है, अब जाके बढ़िया चल रहा है। मेरे फेवरेट साहिद खान है, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत समझदार है और मैं चाहूँगा कि वो जीते। और शिव भी अच्छा कर रहे हैं, सारे कंटेस्टेंट अच्छा कर रहे हैं, बट आई एम रियली हैप्पी कि इस वक्त एंटरटेनमेंट करने के लिए यही एक शो है, सलमान सर का नंबर वन शो है। सलमान सर इस शो में अपना 100% दे रहे हैं, एक एक कंटेस्टेंट को 1-to-1 समझा रहे हैं। हमारे टाइम में तो सलमान सर आते तो हमारी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल होती थी, और ये वाले तो कुछ समझ ही नहीं रहे किसी को भी। और अमीन, सो मैं चाहूँगा कि एंडमोल से कि अपना स्टेटस और कलर सीरीज स्टेटस ऊपर रखें और भैया इनको समझाएं और शो को और अच्छे से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।